वाराणसी में बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से अब न केवल स्थानीय लोगों की बल्कि मोक्ष की कामना लेकर काशी आने वालों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। ये विश्व प्राचीन हरिश्चंद्र घाट है जहाँ पर लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो घाट है अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अब यहाँ पर शवदाह जो है वो गलियों में, इसके अलावा छतों पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर जो यहाँ का है वो पूरी तरह से डूब चुका है, और अब जो दूर दराज से परिजन आते हैं वो गलियों में अपने जो परिजन हैं उनका शवदाह कर रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। बाऊजी कहाँ से हैं आप? सर मिर्जापुर से हम आए हुए हैं यहाँ पर अपने परिवार के लेके शमशान घाट के लिए। यहाँ पर आने पर बहुत परेशानी हो रहा है। बारिश भी बनारस में हो रही है। क्या क्या कहेंगे, कैसे संपर्क किया, क्या यहाँ की स्थिति क्या रही? यहाँ की स्थिति तो रोज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग आए एक घंटा हो गया, कम कम 2 फीट बढ़ गए गंगा जी आने के एक घंटे के पहले, एक घंटे के बाद 2 फीट बढ़ गया पानी। जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है दिनों दिन। निश्चित तौर पर न केवल स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज से आने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए? बनारस से आई हूँ, बाबतपुर के पास से। अच्छा, क्या लग रहा है? पहले तो प्लेटफॉर्म पर होता था वहाँ पर शवदाह, लेकिन अब गलियों में हो रहा है, छतों पर हो रहा है। कितनी दिक्कतों का सामना कर? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और परेशानी भी हो रही है। गलियों में हो रहा है, छत पे हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। और जब समय भी बहुत हो रहा है कि अगर एक लाश हटेगी तभी दूसरा हो पाएगा ना, जगह नहीं है इसके लिए। जहाँ 2 घंटे में होता था 4-5 घंटा लग जा रहा है। अच्छा, समय हो जा रहा है। संभाल होने वाली जो सामग्रियां हैं उनके दाम क्या हैं? क्या लग रहा है उनका दाम तो बहुत हाई है, क्योंकि और जगह के अलावा बनारस में बहुत वो होता है। बढ़ गया है बहुत बढ़ गया, पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में दो प्राचीन घाटों पर यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो है अंतिम संस्कार के लिए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने सामान को यहाँ से हटाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब हरिश्चंद्र घाट का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से डूब चुका है। जो जल विभाग की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि तकरीबन 68 मीटर से ऊपर गंगा का बहाव जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल 3 से 4 मीटर नीचे है खतरे के निशान से। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में गंगा के जलस्तर में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।